ये देख कितनी यमियर बनी है। अभी यहाँ पे मैं मज़ेदार सी पेटीज की जो है फिलिंग बनाऊंगी, जिसके लिए पैन गरम हो चुका है और मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। चलिए जी, कुकिंग ऑयल को थोड़ा सा यहाँ पे गरम शरम कर लेते हैं इस तरीके से, इसको थोड़ा एक्शन फैक्शन मार के पैन को। पैन गरम है, 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल है, ऑलरेडी वो गरम हो ही जाना है उसने। तो अब यहाँ पे मेरे पास 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने यहाँ पे चॉप्ड कट किया है, वो ऐड करूँगी। चले ये ऐड हो गया इसमें। अब बस प्याज को यहाँ पे ना इसमें सौते करना है, कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ सौते सा इसको सॉफ्ट होने तक बस कुक करना है। मैंने प्याज यहाँ पे देखिए अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है। अभी यहाँ पे 2 हरी मिर्चें जो कि बड़े साइज़ की थी, इसको मैंने बारीक बारीक सा कट कर लिया था, इसको ऐड करके बस सिर्फ इसको लाइट साइज़ में कर देंगे यहाँ पे मिक्स। ज़्यादा कुक नहीं करना है क्योंकि फिर प्याज ने ना जल जाना है। हो गया यहाँ पे ये मिक्स। अब मैंने यहाँ पे 2 चाय का चम्मच ले लिया था मैदा, मैदा इसमें ऐड किया। मैदा को ऐड करने के बाद अभी मैदा देखिएगा कैसे गुठली की शक्ल में हो जाएगा जब ये इन चीज़ों में मिक्स होगा। यहाँ पे ये देखें, इसको बस स्लो हीट पे ही कुक करना है, फ्लेम को अभी बिल्कुल भी हाई या मीडियम पे नहीं रखना है। ये देखें मैदा ऐसा हो गया। अभी यहाँ पे मैंने ले लिया है 1/2 कप फ्रेश मिल्क, इसको इसमें ऐड कर दूँगी। ये चला गया इसमें 1/2 कप फ्रेश मिल्क, हो गया ऐड। अभी इसको इतनी देर कुक करना है ताकि मैदा जो है वो दूध में अच्छी तरह घुल जाए। ये प्रोसेस लगभग वाइट सॉस जैसा ही है, लेकिन ये वाइट सॉस नहीं होता है, लेकिन यहाँ तक स्टेप थोड़े थोड़े से उससे मैच होते हैं। अभी अलग हो जाएगा, चलिए इसको कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा थिकिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। बस मैदे को ना अलग से कुक नहीं करना है, इसको दूध में ही घोल लेना है। ये देखिए मिक्स हो गया, थिक हो गया। अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर दूंगी, यहाँ पे मेरे पास 4 बड़ी बोटियाँ थी चिकन की, जिसको सिंपल नमक ऐड करके मैंने बॉयल करके इसका रेशा वेशा कर लिया है, कुक किया इसको मैंने, बॉयल किया, उसके बाद मैंने इसके रेशे कर लिए हैं, वो इसमें ऐड कर देती हूँ। और अब जो है मैं फिलिंग के जो जान है मज़ेदार मज़ेदार से मसाले वो ऐड करूँगी। फ्लेम को या तो बिल्कुल स्लो पे रखें, अगर नहीं है तो बंद कर दें सब। मैंने अभी स्टोव को बिल्कुल स्लो पे रखा हुआ है। 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, फिलिंग जितनी मज़ेदार बनेगी पटीस जो है उतने ही टेस्टी बनेंगे। 1/2 टीस्पून अजीनोमोटो यानी कि चाइनीज़ नमक, अगर चाइनीज़ नमक नहीं है तो आप चिकन पाउडर डाल सकते हैं 1 टीस्पून, क्योंकि बेकरी वाले चाइनीज़ नमक ही यूज़ करेंगे। यहाँ पे 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून थाइम, थाइम नहीं है ऑरिगानो डाल दें, पर दोनों में से कोई एक हर्ब आपने यूज़ करना है। हल्दी 1/2 टीस्पून, बाज़ार की पेटीज की स्टफिंग देखिएगा उसमें हल्दी ज़रूर होती है। 1/2 टीस्पून लहसुन पाउडर, पाउडर नहीं है, फ्रेश लहसुन की लीजिए, उसको ग्रेट करके ऐड कर दीजिए। 1/2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्चें, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अब बारी आती है यहाँ सॉसेस में, तो 2 तरह के सॉस जाएंगे, सिंपल इजी। 1 टीस्पून सोया सॉस और 1 टीस्पून ही इसमें जाएगा यहाँ पर रेड चिली सॉस, जिसको हॉट सॉस भी कहते हैं, रेड चिली सॉस भी कहते हैं। बस तमाम मसाले मज़ेदार सी पेटीज की फिलिंग में ऐड हो चुके हैं। अभी मैंने इसको घुमाना है, इसकी हैंडल का जो कंट्रोल अपने हाथ में लेना है और इसको अच्छी तरीके से यहाँ पे कर देना है मिक्स। फ्लेम को बिल्कुल स्लो रख के ही काम करना है, क्योंकि ज़रा जो फ्लेम तेज़ हुआ ना हमारे जो फिलिंग है उसने जल जाना है, बैठ जाना है। इस तरीके से देखिए कितनी अच्छी सी यहाँ पर फिलिंग है। अभी मसाला तमाम मिक्स होगा तो उसका कलर भी चेंज हो जाए। चिकन की जो पेटीज की फिलिंग है यहाँ पे तैयार हो चुकी है। इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें कितनी अच्छी है, देखिए इस तरीके की इसकी कंसिस्टेंसी जो है होनी चाहिए। इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है कि मसाले की महक निकालनी है, इसको हम बहुत ज़्यादा कुक कर रहे हैं ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जब हमारी पेटीज जो है जब बेक होगी उसमें भी ये कुक हो जाएगी, तमाम महक जो उसमें निकल जाएगी। जो है यहाँ पर डन हो चुकी है और इसको अभी मैंने रहने दिया है, ठंडा ठंडा होने देते हैं इसको आराम से। तब तक जो है हम अपने पेटीज को रेडी करते हैं, उसके डो वगैरह कट करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ले ली है पफ पेस्ट्री।
पफ पेस्ट्री मैंने कहाँ से ली है, कितने की मिली है, आसानी से सब कराची में कहाँ से मिल जाती है, ये तमाम चीज़ें मैं मसारा ब्लॉग्स में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और अगर आप कराची से बाहर रहते हैं, आप पाकिस्तान में नहीं रहते हैं, तो आपको जो है आपके एरिया की जो बेकरी है या सुपरमार्केट में मिल जाएगी, और ऑनलाइन ये हर कंट्री में अवेलेबल है, ऑनलाइन आप सर्च करें तो पफ पेस्ट्री इजीली मिल जाएगी। लेकिन अगर आप कराची में हैं तो आप जहाँ से मैंने ये पफ पेस्ट्री ली है उनकी पफ पेस्ट्री लेना कभी मिस ना करें, क्योंकि वो जो बेक होती है उसकी जो लेयर्स लगती है और इतनी ज़्यादा यम्मी है ना, आई कांट एक्सप्लेन, वो मैं अभी यहाँ बना के आपको दिखा दूँगी। चलिए जी, पफ पेस्ट्री मैंने ले ली है, इसको ये होती रखी जाती है फ्रीजर में, लेकिन इसको बनाने से एक दो घंटा पहले इसको निकाल के रखते हैं रूम टेम्परेचर पे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। डस्ट कर दिया मैदे का, अब इसको रोल आउट करती हूँ। मैंने बेल लिए, ये देखें पिज्ज़ा की जैसे रखते हैं ना, बस उतनी रखनी है, थोड़ी मोटी रख लें, उसमें कौन सी बड़ी बात है। यहाँ पे मैंने कटर ले लिया है, राउंड शेप का नहीं है, किसी भी बॉटल का कैप लेना है, उससे कट करने कोई इशू थोड़ी है। इस तरीके से मैं इसको यहाँ पे कटिंग कर लूँगी। कट कर लिया, डो फालतू हो गई, ऐसा नहीं होता। इसको क्या करना है, इस तरीके से उठाया, दोबारा से इसको फोल्ड किया और अगेन जो है मैं इसकी कटिंग स्टार्ट कर दूंगी। इतने सारे कट्स कर लिए हैं पेटीज के शेप्स के, अब चले यहाँ पे मैंने ये ले लिया है पेन, और इसमें जो है मैंने सिंपल ऑयल से इसकी की है ड्रेसिंग, और अब मैं एक एक लेयर उठा के इसमें इस तरीके से रखती हूँ, पहले बेस रखते हैं फिर उसको सेटल करेंगे। मैंने फिलिंग जो है तैयार करके रखी हुई है, इसको अपने अंदाजे से पेटीज में डालते रहें, जितनी आपने इसमें फिल करने है, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा मैंने कर दी है, इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, इसको इस तरीके से अपने अंदाजे से कर लें, वैसे ज़्यादा भरी भरी जो है अच्छी लगती है, मज़ेदार लगती है, क्योंकि फिलिंग जो है ना बिल्कुल मार्केट जैसे इसका फ्लेवर आ रहा है चिकन का, बहुत टेस्टी है स्टफिंग तैयार होती है। इसको सेट कर देती हूँ सब में। अभी यहाँ पे मैं चीज़ रख रही हूँ, इसमें आपकी मर्ज़ी है जितनी चाहे रख दें चीज़। फिलिंग रख दी है, अब क्या करना है, बस इसकी स्टफिंग मज़ेदार हो जाए ना तो पेटीज जो है बड़ी मज़ेदार बनती है। हो गया, कैसा बनाना है आपको पता है कि मैं तो फूड स्ट्रीट रेसिपी बनाती हूँ, तो इसके ऊपर जैसे बेकरी वाले के ऊपर ही एक और लेयर आ रही होती है, सेम मैं वही करूँगी, एक एक पीस उठाऊँगी और इसके ऊपर रखूँगी इस तरीके से, क्योंकि बेकरी वालों के भी ऊपर से ना वो एक लेयर लगा रहा था तो वो बिल्कुल बेकरी वाला लुक देगी बहुत अच्छा सा। कुछ नहीं करना है, बस इसके ऊपर एक एक लेयर और रख देनी है, तो बड़ी मज़ेदार और टेस्टी से हमारे कुरकुरे से पेटीज तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर ये कर दिया सिंपल ईजी, लाइट हैंड से प्रेस डाउन, बस लाइट हैंड रखना है, ज़्यादा ही रखना है तो फिर ना पेटीज में बैठ जाना, उठना नहीं है फिर। अब क्या करना है, मैंने यहाँ पे ले ली है अंडे की जर्दी, सफ़ेदी नहीं लेनी है, जर्दी लेनी है। इसमें मैं ऐड करूँगी यहाँ पे थोड़ा सा फूड कलर, ताकि जो ऊपर एक कलर आता है ना वो इतना खूबसूरत आए ना कि बस मज़ा ही आ जाए देख कर पेटीज को। हो गया, कुछ नहीं करना है, ब्रश लें सिंपल, देखें बस मैंने अंडे की जर्दी को इस तरीके से बस तोड़ लिया है और कुछ नहीं किया, मैंने ऊपर पॉलिश कर लें इसके पेटीज को, ताकि जब बेक हो तो एक खूबसूरत सा कलर आ जाए पेटीज पर हमारे। हमें तैयार हो चुकी है, ओवन जो है मैंने अपना बनाया हुआ है होममेड पतीले में, इसमें जो इसको रखते हैं, चले आपको दिखाते हैं इसको। पेटीज को जो है अच्छे से इसमें संभाल के रख देती हूँ, रखा गई पेटीज मेरी। अब मैं इसको कवर करके बेक होने देती हूँ 30 to 45 minutes, क्योंकि पेटीज जो है थोड़ा सा टाइम लगाती है पतीले में बेक होने में। ये देखें यहाँ पे हमारी क्रिस्पी सी पेटीज तैयार हो गई, ये देखिए सबीका ने अपनी लिटिल सी पेटीज डाली है अपने बनाकर, और अभी गर्म है, चले फिर निकाल के ठंडा करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए कितनी यमियर बनी है, बहुत मज़ेदार बहुत टेस्टी बनी है। अभी आपने करंट तो चेक कर ही लिया इसका, साथ ही यहाँ पे मैं आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ। लाजवाब रेसिपी, पसंद आए लाइक करें। अब तक अगर हमारे चैनल मसाला किचन और मसाला ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब की, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।